इनको खुद को एक 4 से 5 दिन लग गया अपनी खुद की पर्सनालिटी को रजिस्टर करने। तो 4-5 दिन कौन से? फाइनली बिग बॉस OTT3 में एलविश यादव की एंट्री हो गई है। हालांकि एलविश यादव की एंट्री एज ए कंटेस्टेंट नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अभी लव कटारिया घर के अंदर है और उनकी तरफ से इस बार वीकेंड के बार पर एलविश यादव को इन्वाइट किया गया है। वही आप सभी को पता होगा कि अभी बाइलगार्ड एंट्री भी अदनान शेख की हुई है और उनको भी घर के अंदर सपोर्ट करने के लिए टीम 07 के मेंबर मिस्टर फेजू की एंट्री की गई है। और इस बार एलविश यादव और मिस्टर फेजू आपको एक साथ बिग बॉस के सेट पर दिखाई देने वाले हैं और लोग तो काफी हद तक ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बार एलविश यादव और मिस्टर फेजू में बिग बॉस के सेट पर ही झगड़ा हो जाएगा। हालांकि यह एक पिछली कंट्रोवर्सी है जो कि टिकटॉक और वर्सेस यूट्यूब के बारे में हुई थी। एलविश यादव का घर के अंदर अरमान मलिक के साथ भी झगड़ा होने वाला है। इसके अपडेट मिलने पर आपको तुरंत इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपका बिग बॉस में फेवरेट कौन है आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगता है भी बहुत जल्दी एंट्री ले रहा राव साहब ऑन द सेट्स ऑफ द बिग बॉस ऑन द सेट्स ऑफ द बिग बॉस 3। भाई मजा आएगा कटारिया के साथ अपना एलविश यादव भाई दोनों बड़े भाई भाई चारों टॉप फिर दिखाएंगे गेम असली गेम कैसे कहते हैं।